आपने स्वयं देखा है कि एक क्लासरूम में दो दो क्लासेस चल रही हैं और एक टीचर पढ़ा रही है और बच्चों को ज़मीन पर बिठाया हुआ दरियों पर, और अभी हालत यह है कि 50% ऑक्यूपेंसी, अगर पूरे बच्चे आ जाए तो बैठ ही नहीं सकते। और दिल्ली की शिक्षा का मॉडल जिसका ये ढोल पीटते आम आदमी पार्टी के नेता कि हमारी शिक्षा व्यवस्था यूरोप से बेहतर, आके देखे यूरोप से बेहतर है तो पढ़ाएंगे मनीष सिसोदिया अपने बच्चों को यहाँ पर? आतिशी मार लेने तो दुनिया भर का दौरा करती हैं, करेंगे यहाँ का दौरा? अब वर्ल्ड क्लास स्कूल की बात दिखाए ना, वर्ल्ड क्लास के बाथरूम देख लीजिए स्कूल के जाके, 1200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बाथरूम में घुस नहीं सकते आप, ये स्थिति है। और ये भी सुबह का समय है, और दोपहर होते होते उसकी क्या हालत होगी? छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में? हम शर्मानी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को। आज कापासहेड़ा के अंदर हमारा विजिट रहा प्रदेश अध्यक्ष शिविंदर सचदेवा जी की अगुवाई में, हमारे साथ सांसद रामवीर विदुड़ी जी जो बहुत ही सीनियर नेता हैं वो हमारे साथ रहे। आज आकर इतना मन दुखा हमारा कि हम कौन से यूरोप मॉडल के स्कूल के अंदर हैं जहां बच्चों को बैठने की जगह नहीं, बच्चे ज़मीन के ऊपर फटी दरियों के ऊपर बैठे हुए हैं, बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट की सफाई नहीं है, इतने गंदे टॉयलेट है आप जा नहीं सकते। क्लास के अंदर दो दो जो क्लासरूम को क्लब कर रखा है, 50% स्ट्रेंथ में भी बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे इंसानों के नहीं पशुओं के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। इतनी अमानवीय हालत निगम के अंदर आम आदमी पार्टी ने कर दी। पढ़ने के लिए बच्चों के पास टीचर्स नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, तो ये हालात ये आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल ने कर दिए। खुद तो ये बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार के ओढ़ लेकर तिहाड़ जेल के अंदर, मगर आज दिल्ली नगर निगम के अंदर एजुकेशन स्टैंडर्ड को इतना डाउन कर दिया। हम इसका विरोध महापौर महोदय को भी करेंगे और हम कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे।